बेस मॉडल बात कर ले 20-25-30 रुपए से बेस मॉडल आपके 8 ये 20 स्टार्ट हो जाते हैं, बड़े मॉडल में चले जाएं तो 125-170। ओके अभिषेक भैया, ठीक है, आपने बात किया कि सोलर पैनल्स कहाँ से शुरू हो जाते हैं, तो सोलर सेल से बात कर लेते हैं। जैसे बेस साइज है 80-30, इसी में 80-40 मिल जाएगा। क्या स्टार्टिंग प्राइस है इनकी? कंफर्टेबल कर देता हूँ थोड़ा सा, समझ लीजिए। ओके 80-30, 80-40, 55-55, फिर आपका 70-70, 80 राउंड। और इसके अलावा भी अगर आप कोई साइजेस अपने हिसाब से बनवाना चाहते हैं अगेंस्ट ऑर्डर, तो वो भी हम लोग बनाते हैं, कस्टम कर दोगे आप? मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी हमारे पास से रहती है। इसमें वोल्टेजेस भी अगर आप कस्टमाइज कराना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास से पॉसिबल है। जैसे एक रेगुलर साइज आता है 6 वोल्ट के अंदर, ये 4 वोल्ट में बना हुआ अगेंस्ट ऑर्डर, ये अगेंस्ट ऑर्डर साइज बना हुआ 80-30 का साइज है। इसकी फिनिशिंग जो फिनिश पीस आएगा वो इस तरीके का दिखता है, ये फ्रंट बैक इमेजेस है। ओके इस तरीके से पीस दिखता है, ये रॉ पीस है, ये फिनिश पीस है। ओके तो इस तरीके से ये रेगुलर साइजेस हैं जो नॉर्मली लोग देखते हैं। बड़े पैनल्स में चला जाऊं 1 वाट का साइज मिल जाता है, इसी में 2 वाट 3 वाट जो कि नॉर्मली आपकी इमरजेंसी लाइट चार्ज करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो रेट क्या है इनके? बेस मॉडल बात कर ले 20-25-30 रुपए से बेस मॉडल आपके ये 20 स्टार्ट हो जाते हैं, बड़े मॉडल में चले जाएं तो 125-170-180 इस तरीके के प्राइजेस हैं। क्वांटिटी पे आपको जो प्राइजेस हैं वो बेटर मिल जाएंगे, वो बेटर मिल जाएंगे। प्राइजेस आपको बताएं बेस प्राइजेस। ओके इजी हो जाता है क्योंकि काम होलसेल का है, तो हमारे जो डीलर्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो, परेशान ना हो, इसलिए मैंने आपको सैंपल्स के प्राइस बताया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बात कर ले सोलर पैनल्स की। रेंज बहुत सारी है, जैसे आप मेरे हाथ में देख सकते हैं सारे मॉडल्स जो है रूटीन में मिल जाते हैं। इसमें 3 वॉट हो गया, 6 वोल्ट में, प्राइस भी इंक्लूड करते रहना अभिषेक भैया। सैंपल्स के प्राइस बताए तो 200 रुपए का सैंपल, ये हो गया 300 रुपीज का सैंपल, ये बेस प्राइस है आपका। 350 का साइज है बड़े वाला, ये 300 का है। ओके 350 का साइज है, ये 475 का साइज है सैंपल। और अनब्रेकेबल है ये? सब अनब्रेकेबल होते हैं जी। बेस मॉडल की बात कर लूँ, पीस अगर आपका गिर भी जाता है मोबाइल चार्ज के लिए। मोबाइल चार्जिंग के लिए बनाया क्योंकि आज की डेट में एंड्रॉइड हैवी हो चुके हैं, तो 12 वोल्ट से आपके 2 USB चार्जर दिया हुआ है। अगर मैं दिखाऊंगा तो डे टाइम में नॉर्मल लाइट में भी पीस आपका एक्टिव हो चुका है, पर सनलाइट में प्रॉपर चार्जिंग करेगा। मतलब एक चेक करने का तरीका है, क्वालिटी अच्छी है। क्या रेट है इसका? सेटल की बात कर लूँ 600 रुपए का सैंपल आपको इजीली मिल जाता है, कुरियर चार्जेस एडिशनल होंगे। ठीक अगर है, कुछ आप सैंपल्स बाय कर रहे हैं तो ऐसे ही 12 वोल्ट के अंदर आपका 10 वोल्ट, फिर 6 वोल्ट की सीरीज, फिर आपका 5 वोल्ट की सीरीज, इसमें यूएसबी केबल्स इनके साथ में आती है। ठीक है, और बड़े पैनल्स में भी आप चाहें तो उसमें अटैच करवा सकते हैं। यूसेज की अगर बात कर लूँ तो बेसिकली आपका इमरजेंसी लाइट्स हो गई, आपके ईयरबड्स हो गए, आपके पावर बैंक्स हो गए, आप कैंपिंग के लिए यूज कर रहे हैं, ट्रैवलर हैं या घर में यूज कर रहे हैं, शॉप पे यूज कर रहे हैं, एक कोई भी सब्जी विक्रेता है, तो उस तरीके के लोगों के लिए हमारे पास बहुत सारी होम लाइटनिंग किट्स भी अवेलेबल है। Okay. ये होम लाइटनिंग किट्स के साथ भी ऐड हो जाते हैं। जैसे एक बेस मॉडल की बात कर लूँ 3 वाट के पैनल के साथ एक लिथियम आयन की किट आती है हमारी, जिसके अंदर बैकअप तकरीबन 12 से 14 घंटे का आपको मिल जाता है। बेस मॉडल जो स्टार्ट होते हैं वो 6-8 घंटे के बैकअप के होते हैं, तो आप मॉडल भी अपने हिसाब से रीसेल के लिए कस्टमाइज करवा सकते हैं। OEM करवाना चाहे, ब्रांडिंग करवाना चाहे, वो भी अवेलेबल है। होम लाइटनिंग किट्स में वो भी अवेलेबल है। बड़े पैनल्स की बात कर लूँ तो आपके पास 40 वॉट 50 वॉट 90 वॉट सारे पैनल्स की रेंज मिल जाती है। रेट क्या है इनके? बेस प्राइस की बात कर ले तो आपको 1400 रुपए 1800 रुपए, ये सैंपल्स की बात कर रहे हैं हम, और बड़ा मॉडल आपको 2400 रुपए का मिल जाता है। ओके और बल्क प्राइसेस वो जैसे मैं आपको बता चुका हूँ वो आपको कैटलॉग के अंदर मिल जाते हैं। अगर क्वालिटी की बात कर ले, पॉलीक्रिस्टलाइन सेल्स हैं, 4 बस बार 3 बस बार सेल्स के अंदर आपको मॉडल मिल जाते हैं। ओके जो कि हैवी चैनल के अंदर है, हैवी फ्रेम मिल जाता है आपको 17 mm 22 mm का चैनल, क्योंकि अच्छा ये हमारा ब्लू में है करेक्ट अभिषेक भैया? ब्लैक में आता है वो, मैंने सुना वो अच्छी क्वालिटी होती है। एक नो डाउट डिफरेंस होता है पॉलीक्रिस्टलाइन और मोनोक्रिस्टलाइन में, पर एक मिथ भी है कि वो एक्स्ट्रा पावर जनरेट करता है तो वो ज्यादा बेटर है। ऐसा है जब आप नॉर्मल सरफेस में यूज कर रहे हैं, अंटिल अनलेस आप कोई हिल स्टेशन पे नहीं है या कहीं सनलाइट का इशू नहीं है, तो आप पॉलीक्रिस्टलाइन प्रेफर कर सकते हैं, एल्स मोनोक्रिस्टलाइन नो डाउट आपको बेनिफिट देगा। तो ये सब कवर कर लिया हमने, तो इनके साथ आपको यूएसबी केबल वगैरह सब कुछ मिलेगा, देख सकते हो गाइस। यूएसबी केबल इस तरह की सी टाइप पतली पिन वगैरह सब कुछ यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, इजी टू कैरी है, कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं इसको। ओके अब क्या देखने वाले अभिषेक भैया? ये ले जाते हैं।